नमस्ते सस्त्रीकाल सलामुअलैकुम एंड ओला वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल किचन और मैं आपका दोस्त शेफ कीर्ति कुमार। टुडे वी विल मेक अ वेरी यूनिक रेसिपी दैट आई होप एवरीवन सी इट इन द रेस्टोरेंट बट इन सिंगापुर दिस इज यूनिक एंड वेरी डिफरेंट the process of making this recipe so different. उसके लिए हम लोग chicken, breast, shrimp, अंडा सब मिला के एक बढ़िया सा एक छोटा पेस्ट बनाते हैं और इसको हम स्टीमर बॉटल की मदद से बॉयल वाटर में प्लांच कर लेंगे ताकि इसकी सॉफ्ट से एक बॉल तैयार हो जाए। इसके साथ ही साथ हम दो तीन तरह के हार्ड कॉर्न और भी बनाएंगे इसके अलावा चिकन के स्टीम। आज हम बेसिकली एक फुल मील बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है। बहुत सी तरह की डिशेज हैं इसके अंदर भी मेक हो सकते हैं। देखिए जो हमने किया था ब्लांच अच्छी, इसको हम गर्म पानी बॉयल पानी ब्लांच कर लेंगे ताकि सॉफ्ट से बॉल तैयार हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम एक स्टीम्ड बॉल्स बनाएंगे, ठीक है। ये अपना बॉल देखिए, आप देखिए सॉफ्ट बॉल तैयार कर देखिए सेट, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। एक इंडियन में आप देखिए चिकन बॉल्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने एक साइड में एक डिप स्टीम्ड डिमसम टाइप के चिकन डिमसम बनाए हैं हार्ड बॉल की तरफ। हमने उसमें दो तीन तरह के फ्लेवर ऐड किए हैं, एक वेज बनाया है कैरेट के साथ, एक हम बनाएंगे अपना चिकन के साथ और दूसरा एक मिन्स चिकन के साथ बनाएंगे और श्रिम्प के साथ और तीसरा हम बनाएंगे इसके अपने मीट के साथ। तीन तरह के डिप नॉर्मल कैरेट थाई चिलीस ऐड करके स्टीम कर देंगे, दूसरा मीट के साथ हम इसको ऐड करेंगे बढ़िया तरीके से ला के। तीन चार बॉल हमने सेट कर लिए हैं, ठीक है। और उसको हम बढ़िया सा स्वीट चिली सॉस, दिस इज़ रियली होम मेड स्वीट चिली। बेसिकली हम बोतलों में इंडिया में देखते हैं ये स्वीट चिली सॉस बनाने तरीका है, सिंपल सा सॉल्ट हल्का सा विनेगर हल्का सा शुगर ऐड करके और इसको हल्का सा मेल्टिंग में कर देते हैं, स्टीम से ये सेट हो जाता है बढ़िया। अब ये स्वीट चिली सॉस तैयार होगी। बेसिकली हम लोग बोतलों में इंडियन पाते हैं, वहाँ हर चीज़ होममेड बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सारी सब्जियाँ ब्लांच करके उसका बेस बना लिया और चिकन के पंजे एंड ऑल।